अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आप लोग अपने रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। एन अल्टरनेटिंग डेरिवेशन ऑफ लैम्डा डी विल गिव फर्दर इनसाइट ऑफ द मीनिंग कंसीडर टू इनफाइनाइट। अच्छा, अब हम लोगों ने दो पैरेलल प्लेट्स को कंसीडर करना है, ठीक है। उसमें पोटेंशियल हमने जीरो सेट कर दिया और उसके दरमियान की जो स्पेस है उसको हम लोगों ने गैस से फिल कर दिया है। अब हमने पॉइसन इक्वेशन को यूज़ करते हुए शो करना है कि पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इसके इक्वल है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इसी इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और एक और दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो डबल डेरिवेटिव हमारे पास इस चीज़ के इक्वल आ गया। हमें पता है कि जो पॉइसन इक्वेशन होती है वो डबल डेरिवेटिव होती है पोटेंशियल। अब हमें ये चेक करना है कि जो हमारे पास इक्वेशन आई है उसका सोल्यूशन एक्चुअली वही आता है या नहीं। तो हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे, उसका एक दफ़ा डेरिवेटिव, दो दफ़ा डेरिवेटिव, ठीक है। अब इनिशियल कंडीशन हम लगाएंगे एक्स इक्वल टू जीरो पे फाइव जो है वो कि स्क्वायर डैश जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। जब एक्स जीरो होगा तो, और सिमेट्री के हिसाब से बी को भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। अगर एक्स हमारे पास प्लस माइनस डी है, ठीक है, फाइव जीरो है अगर, तो हमारे पास इसका क्या मतलब है कि देखें, अब यहाँ पे हम लोग ए को ज़ीरो नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास एक्स ज़ीरो था, बी को ज़ीरो किया था, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पुट कर रहे हैं कि हमारे पास बी ज़ीरो है, सी एक गिवन है और ए हमारे पास ज़ीरो नहीं है। एक्स की वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ पे हमारे पास एक सी की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब जब हम इक्वेशन टू और सी को, ये वाली, इन इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है फाइव डबल डैश की, जो टू ए है, किसके इक्वल आ रही है, माइनस एन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये इक्वेशन टू में से हम कैसे आपको बता सकते हैं, यहाँ से हमने लिखी है, ठीक है, डबल डेरिवेटिव की इक्वेशन, ओके। अब यहाँ से हम लोगों ने ए की वैल्यू निकाल ली इस चीज़ से, ठीक है, और यहाँ से ऑब्वियसली उसका नेगेटिव है तो हम लोगों ने सी की वैल्यू भी लिख ली जो हमने इधर से निकाल ली है। अब इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमने कंसिडर की थी, बी हमारे पास जीरो है, ए और सी की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए की वैल्यू ये है, बी सी की वैल्यू ये है, तो उसके बाद अब हमारे पास क्या होगा जब हम इसका कॉमन लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको अरेंज करेंगे, तो हमारे पास एग्जैक्टली फाइव की वही वैल्यू आ रही है जो कि बता रहा है कि हमारे पास यही उसका सोल्यूशन है, तो हमारी इक्वेशन वेरीफाई हो जाती है। इसी के बी पार्ट में उन्होंने कहा है कि शो करें डी इज ग्रेटर देन लैम्डा, ठीक है, और एनर्जी नीडेड टू ट्रांसपोर्ट अ पार्टिकल फ्रॉम प्लेट टू द मिड प्लेट इज़ ग्रेटर दैन द काइनेटिक एनर्जी। अब हमने ये चीज़ प्रोड्यूस सॉरी प्रूव करनी है कि एनर्जी हमें नीड रिक्वायर्ड है तो काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए। तो एनर्जी जो रिक्वायर्ड है हमें चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने में, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है जो कि फाइव टू माइनस फाइव वन हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। जो वर्क हम लोग करेंगे वो पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू बाई ई के, ठीक है। अब हमारे पास अगर फाइव वन जीरो है, ठीक है, इस पॉइंट पे जो हम लोगों ने अभी पीछे किया है, और फाइव टू हमारे पास इसके इक्वल है एट एक्स इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल एनर्जी है, ओके। इसमें हम ये वाली अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास ये आंसर आ गया इसका ई का, ठीक है, इसको हम एवरेज कह ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर हम लोग ये चीज़ कंसिडर कर लें कि हमारे पास जो डी है वो किसके इक्वल है, लैम्डा डी के, तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, लैम्डा डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, उसकी वजह से हमारे पास जो ई का आंसर है वो हाफ के वी टी जो कि एवरेज एनर्जी के इक्वल है वो आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जब हमारे पास वन डायमेंशनल सिस्टम होगा तो अगर हम लोग डी ग्रेटर देन लैम्डा डी रखेंगे तो हमारे पास ई जो है वो एवरेज एनर्जी से ज़्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोगों ने इन दोनों को इक्वल रखा तो दोनों एनर्जीज इक्वल थी। इसी तरह थ्री डायमेंशन में हमारे पास क्या होगा कि वो एनर्जी वन थर्ड ऑफ ई एनर्जी के इक्वल होगी। सो यहाँ से प्रूव होता है कि हमारे जो पार्टिकल है उसकी थर्मल एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो प्लाज्मा में बहुत दूर तक जा सके। सो नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या निकालना है, लैम्डा डी और एड डी इन फॉर्मिंग के लिए हमें वैल्यूज़ गिवन है, जस्ट हम इनके फार्मूलाज लिखेंगे, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे आंसर आते जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास लैम्डा डी का फार्मूला है, ये एन डी का फार्मूला है, ठीक है, इसमें हम लोगों ने जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली है। सिमिलरली इसके लिए ये आंसर आएगा हमारे पास, ये आंसर्स लिखे हैं, आप यहाँ से अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ लेजर फ्यूजन द कोर ऑफ अ स्मॉल पैलेट ऑफ टी टी इज कम्पेयर टू अ डेंसिटी ऑफ दिस एट टेम्परेचर दिस के लिमिट, ठीक है। एस्टिमेट हमने क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन डिवाइस फेयर, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन डिवाइस फेयर हमारे पास इसके इक्वल होते हैं एन इक्वल टू एन डी ओवर वॉल्यूम, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम के। तो ये नंबर डेंसिटी है हमारे पास, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके इक्वल होंगे, नंबर डेंसिटी इन टू वॉल्यूम, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये देखें लैम्डा डी है, ठीक है, हम यहाँ से चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल या ई के इक्वल कर लेते हैं, ठीक
है, तो एन डी किसके इक्वल आ जाएगा, एन डी हमारे पास इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, जस्ट इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें, सिंप्लीफिकेशन करें, फॉर्मूले में वैल्यूज पुटिंग कर लेंगे। ठीक है, जब हमारे पास वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास 15.4 पार्टिकल्स आ जाएंगे इन अ डिवाइस स्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिस्टेंट गैलेक्सी कंटेन्स अ क्लाउड ऑफ प्रोटॉन्स एंड एंटी प्रोटॉन्स ईच डेंसिटी एन इज इक्वल्स टू 10^6 पर मीटर क्यूब एंड टेम्परेचर इज 100 डिग्री केल्विन, व्हाट इज डिवाइड लेंथ। सो अब हमें एन दिया हुआ है और टेम्परेचर दिया है, हमें डिवाइड लेंथ निकालनी है, यानी लैम्डा डी। ओके, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को हम लोगों ने एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया है, और हम लोगों ने ये एक सिंप्लीफाइड फार्मूला, अगर आप चाहें तो इसका दूसरा फार्मूला जो कि KBD एप्सिलॉन नॉट बाय एन क्यू स्क्वेयर अंडर रूट है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपनी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें और हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ जो है डिफरेंस में वो ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने टेम्परेचर ऑफ पॉजिटिव प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन दोनों का डालना है। ठीक है, उसके बाद अब ये हमारे पास लैम्डा डी आ गया, तो मास ऑफ पार्टिकल हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि वो कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, वो मैटर नहीं करता, चाहे मास कुछ भी हो, लेकिन हमारे पास जो लैम्डा डी है उसमें फॉर्मूले में उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। अच्छा, अब है, अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस ए इज इमर्ज इन अ यूनिफॉर्म प्लाज्मा एंड चार्ज टू अ पोटेंशियल फाइन नॉट, द इलेक्ट्रॉन्स में रिमेन मैक्सवेलियन एंड मूव टू फॉर्म अ डिवाइस शील्ड। ठीक है, अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने क्या किया है, डिवाइस शील्ड बना लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्टेशनरी हैं इस सारे एक्सपेरिमेंट के दरमियान। अब हम लोगों ने क्या अज्यूम करना है कि E5/KBT मच मच लेस देन 1 है, जो कि हम लोगों की टेलर सीरीज की जो है अज्यूम्शन भी होती है। पॉइजन इक्वेशन हम लिखनी है इस प्रॉब्लम के लिए इन टर्म्स ऑफ लैम्डा डी। ठीक है, पॉइजन इक्वेशन हमारे पास ये है, ये हम लोगों ने अपने एक पीछे न्यूमेरिकल में भी यूज़ किया था और ये हमारी बुक में भी फार्मूला गिवन है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये हमने इसको स्फेरिकल में लिख लिया है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, उसका आर कंपोनेंट डेल स्क्वायर को एक्चुअली ओपन किया गया है। अब यहाँ पे ni एन इन्फिनिटी के इक्वल है, ne हमारे पास इस चीज़ के इक्वल आ जाता है। अब हम लोगों ने क्या करना है, जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस करनी है वैल्यूज़ की। ठीक है, इस वाले फार्मूले में ये दोनों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि E5/KBT मच मच लेस देन 1 है, तो हमारे पास टेलर सीरीज एक्सपेंशन यूज़ हो जाएगी यहाँ पे और हमारे पास आंसर इस चीज़ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एप्सिलॉन नॉट KBT बाय ne स्क्वायर जो है वो हमारे पास लैम्डा डी स्क्वायर के इक्वल होता है, तो हम इसको इन्वर्स में लिख लेंगे तो 1 ओवर लैम्डा डी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारी, हमने इसको एक कांस्टेंट कैपा स्क्वायर के इक्वल कह दिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, लेकिन चूंकि हमें लैम्डा डी स्क्वायर के इक्वल ही लाना है तो हम इसको इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं आंसर को। अब वो हमें बी पार्ट में क्या कह रहे हैं कि श्योर दैट इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय अ फंक्शन ऑफ फॉर्म दिस। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट माइनस कैपा बाय आर ओवर कैपा, एक्चुअली ये कन्वर्ट करने का मकसद था कि हमें आगे इसको यूज़ करना है। डिटरमिन के एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फाई ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ ए फाई नॉट एंड लैम्डा डी। अब हम क्या करेंगे, ये हम लोगों ने कंसिडर कर लिया है। ठीक है, इस फॉर्म में हमें जो आंसर चाहिए तो हम फाई को इस तरह से कंसिडर कर लेंगे, और ये जो हमारे पास कैपिटल फाई है ये कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, इस कांस्टेंट का यूनिट हमारे पास वोल्ट मीटर होगा। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, दूसरी चीज़ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई थिंक देयर इज मिस्टेक, नहीं ठीक है, यहाँ पे एक दफ़ा ई टू पावर माइनस के आर का डेरिवेटिव लिया गया और एक दफ़ा 1 ओवर आर का, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। अब हम लोगों ने क्या करना है, अगेन डेरिवेटिव लेना है। सिंपली ये क्या किया है, यहाँ से ये जो आर स्क्वायर कॉमन आ रहा था उसको हमने उस तरफ लिख लिया है, अगेन डेरिवेटिव लिया तो ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स वाली फॉर्म बन रही है, इस तरफ भी डेरिवेटिव लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग उसी तरह रहने देंगे क्योंकि हमारे पार्ट ए को भी वही उसी के इक्वल है, इसका आप डेरिवेटिव लें, इसको सिंप्लीफाई करें, हमारे पास ये आंसर आता है। ठीक है, अब हमारे पास जो हमने शुरू में लिया था वो ये चीज़ थी। ठीक है, यहाँ से फाई ऑफ आर किसके इक्वल आता है, इसके। अब हमारे पास जो डबल डेरिवेटिव आया हुआ है वो इस चीज़ के इक्वल है, तो आर ऑफ फाई के हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, अब जब ये चीज़ हो गई तो देखें हमारे पास क्या बन रहा है, के स्क्वायर आर स्क्वायर फाई है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये वाला आर स्क्वायर, अगर हम इसको दूसरी तरफ ले दें क्योंकि हमें प्रॉपर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आर वाला लेना है, 1/r² d/dr ऑफ r² d5/dr। ठीक है, तो वो किस तरह से किसके इक्वल आ जाएगा, के स्क्वायर फाई के। तो यहाँ से हमारे पास के स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, कैपा के, क्योंकि हमारे पास लास्ट जो आंसर आया था
उसमें ये वाली जो टर्म थी वो इस कैपा के इक्वल आई थी, जिसको हमने 1/λd के इक्वल लिया था, 1/λd स्क्वायर के। अब वही चीज़ हम लोग यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कैपा का जो कैपा है उसकी वैल्यू है 1/λd, ठीक है, वो पुट करेंगे। अब हमारे पास जो लिमिट्स दी थी आर ए के इक्वल हो जाए और फाई ऑफ आर फाई नॉट के, तो हमारे पास क्या होगा, फाई नॉट ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आर की जगह ए सब्सिट्यूट हो जाएगा, तो जो हमारे पास कॉन्स्टेंट है उसकी ए फाई नॉट बाई ई पावर माइनस कैपा ए आ जाएगी। वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, ठीक है, फाई नॉट की जो कि ये है, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे कि हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी हमने निकाल ली और हमारे पास उसकी 0 पॉइंट वैल्यू, जो हम लोग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स करते हैं बिल्कुल उसी तरह से करते हुए हम लोग अपना पोटेंशियल फाई ऑफ आर निकाल देंगे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर 1। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के साथ चैप्टर 2 के। अल्लाह हाफिज़।